शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। कार्मिकों से वार्षिक 10% राशि कटौती समाप्त करने की घोषणा की गई है। ये आज घोषणाएं की हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों से कटौती बंद होगी, 1 अप्रैल 2022 से ही लागू होगी घोषणा। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, क्या जानकारी, कई अहम घोषणाएं की हैं सीएम ने? बिल्कुल अभिषेक, देखिए बड़ी घोषणा है ये। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की घोषणा की थी और उसके बाद एक ही मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जिस दौरान ये सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर ये घोषणा कैसे पूरी होगी पुरानी पेंशन बहाली की, तो उसी दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी कह दिया है एक और कदम आगे बढ़ाते हुए कि जो 10% कटौती की जा रही थी न्यू पेंशन स्कीम के नाम पर, वार्षिक तौर पर ये 10% कटौती की जाती थी, ये जो है बंद हो जाएगी 1 अप्रैल 2022 से ही, यानी अगले महीने की 1 तारीख से ही ये कटौती बंद हो जाएगी। और अब तक जो राशि काटी जा चुकी है 2004 से लेकर अब तक, उस राशि का भी समायोजन होगा। जब कर्मचारी रिटायर होगा उसके बाद जो जीपीएफ की राशि मिलती है उस राशि में समायोजित करके वो राशि जो है उनको लौटा दी जाएगी। तो वार्षिक जो 10% राशि कटौती होती थी न्यू पेंशन स्कीम के तहत, उसे बंद करने की भी अब घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री ने। और ये कि ये बहुत बड़ी घोषणा है कर्मचारी वर्ग के लिए, देखा जाए तो लाखों कर्मचारी जो है वो इससे सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। ये कहा मुख्यमंत्री ने जब ये घोषणा की उससे पहले, क्योंकि अंडरलाइन करके एक तरीके से ये बात, बिल्कुल तो बेहद अहम घोषणा है मुख्यमंत्री।